कि आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो भी ऐप डाउनलोड करने जा रहे हैं उस ऐप पे वहाँ पे पेंडिंग स्टेटस दिखा रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आज मैं आपको चार ऐसी सेटिंग बताऊँगा जिनको अगर आप कर लेते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल हो, बस जो सेटिंग बता रहा हूँ वो कर लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले सेटिंग करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐप इन्फो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप डाटा यूजेस पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे मोबाइल डाटा किसी भी सिम में बंद है तो आपको उसे ऑन कर देना है। मतलब कि यहाँ पे इन चारों सेटिंग को आपको ऑन रखना है। ठीक है, इसके बाद आप एक बार प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके देखिए, अगर फिर भी पेंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेकेंड सेटिंग अप्लाई कीजिए। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में अपनी प्रोफाइल की डीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है। तो नेटवर्क परफॉर्मेंस में आपको सबसे ऊपर सेटिंग से होगी डाउनलोड ऐप परफॉर्मेंस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको ओवर एनी नेटवर्क की सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है। ये वाईफाई पे सिलेक्ट होगी, तो जब आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होगा तब ऐप डाउनलोड होगा। लेकिन हमें किसी भी नेटवर्क से ऐप डाउनलोड करना है उसके लिए आपको ओवर एनी नेटवर्क की सेटिंग सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, आपकी पेंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर अभी भी नहीं हो रही है तो तीसरी सेटिंग अप्लाई कीजिए। इसके लिए आप मोबाइल की सेटिंग में आएंगे, स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको ऐप्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सो ऑल ऐप्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है प्ले स्टोर। तो मैंने जैसे यहाँ पे प्ले लिखा तो हमारे सामने प्ले स्टोर के ऑप्शन आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर सर्विस और प्ले स्टोर इन दोनों का आपको यहाँ पे क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर देना है। इसके बाद आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करके देखिए, डाउनलोड हो जाएगा, आपकी पेंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी तक जो मैंने आपको तीन सेटिंग बताई है उनको अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर बाई चांस अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको एक काम करना है, आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। तो जैसे ही आपका मोबाइल स्विच ऑफ होकर ऑन होगा तो जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपके प्ले स्टोर से पेंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। तो ये थे वो चार सेटिंग जिनको अगर आप कर लेते हो तो आपकी पेंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।